हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मीठे गुड़ वाले मखाने। तो यहाँ ये देखें, ये मैंने मखाने ले लिए हैं। तो ये बाजार से इजीली हमें मिल जाते हैं, ये वो वाले मखाने, फूल मखाने भी इसको बोल देते हैं। तो हम इसको गुड़ वाले मखाने बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, गुड़ वाले मीठे मखाने बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है गुड़। तो आप कोई भी गुड़ ले सकते हो, जो भी आपके पास हो। मैं आप देसी गुड़ ले सकते हो, जहाँ ऐसा गुड़ ले सकते हो। मुझे यही गुड़ मिला था तो मैंने यही ले लिया। तो साथ में मैंने लिए हैं ये तिल। तो यहाँ मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, ये सफ़ेद तिल है, वाइट तिल जिसको बोल देते हैं, वो लिए हैं। और उसके साथ हमें चाहिए थोड़ा सा देसी घी। अब सबसे पहले हम जो ये फूल मखाने हैं इनको रोस्ट कर लेंगे। तो ये ऐसे कच्चे होते हैं तो हमने इनको रोस्ट कर लेना है। सबसे पहले मैंने गैस पे ये एक नॉनस्टिक कढ़ाई ली है, उसको रखा है और उसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल लिया है। तो ऐसी जो रेसिपीज होती हैं वो देसी घी में ही टेस्टी लगती हैं, अच्छी लगती हैं और हेल्दी की हेल्दी बनती हैं। इसलिए मैंने इसमें देसी घी डाला है। और साथ में अब इसमें डाल देंगे हम ये फूल मखाने और इनको हिलाते हुए कुरकुरे होने तक पकाएंगे, रोस्ट कर लेंगे। तो हम इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे। तो यहाँ ये देखें, ये मखाने अब अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो मैंने 5 से 7 मिनट तक इनको रोस्ट कर लिया, पका लिया। तो अब ये देखें, ये कुड़कुड़े हो गए। तो अब हमने इसके नीचे से गैस बंद कर देनी है और इनको इस कढ़ाई में से बाहर निकाल लेंगे। अब मैंने फूल मखानों को कढ़ाई में से निकाल लिया। अब इसी कढ़ाई में हम ये जो सफ़ेद तिल थे, वाइट तिल, इनको हम रोस्ट कर लेंगे। वो अपने टेस्ट के हिसाब से हम डाल सकते हैं कि कितने हमने डालने। तो मैंने इतने से सोचा डाल लेती हूँ। तो इनको हल्का रोस्ट कर लेंगे। तो तिल जो होते हैं विंटर में हमें ज़रूर खाने चाहिए, इनके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ तिल भी जो है वो रोस्ट हो चुके हैं हल्के से। तो इसके नीचे से हम गैस बंद कर देंगे और तिल को कढ़ाई में से वापस अपनी कहीं प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ मैंने तिल को कढ़ाई में से निकाल लिया था। अब हम इसमें ये गुड़ जो है, इसके मैंने पीसेस कर दिए थे छोटे छोटे, इसको डालेंगे। और हमने इसको हिलाते हुए थोड़ा सा गुड़ को मेल्ट करना है। और फ्रेंड्स, याद रखना इसमें हमने पानी नहीं डालना बिल्कुल भी। ऐसे हमने इसको थोड़ा सा हिलाते हुए मेल्ट कर लेना है। ये देखें, जैसे ये मेल्ट होना शुरू हो गया, इसको धीमी आंच पे हम मेल्ट कर लेंगे, पिघला लेंगे। ये देखें, धीमी गैस पे गुड़ को मैंने अच्छे से पिघला लिया, मेल्ट कर लिया। तो ये ऐसा हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा 1 स्पून के करीब देसी घी डाल देंगे। तो हमने विंटर में जो भी ऐसी रेसिपी बनानी है उसमें देसी घी अच्छा लगता है, और उससे देसी घी से इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसलिए हमने इसमें देसी घी डालना है। देसी घी डाल के हम इसको थोड़ा सा हिला लेंगे, पिघला लेंगे। उसके बाद हम इसमें ये रोस्ट किए हुए फूल मखाने जो हैं इनको डाल देंगे।
और इनको ऐसे हलाते हुए सारे मखानों के साथ मिक्स करेंगे गुड़ को। इसके ऊपर ही हम ये रोस्ट किए हुए सफेद तिल जो है वो डाल देंगे। और इसको ऐसे पलटते हुए सारे मखानों के साथ जो है मिक्स करेंगे। यहाँ सारे मखाने जो है इनको गुड़ और तिल जो है अच्छे से लग गया है। ये देखें कितने सुंदर लग रहे हैं। तो मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब हम इसके नीचे से गैस बंद कर देंगे और इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारे गुड़ वाले मीठे मखाने बनके तैयार हो गए हैं। यहाँ ये देखें मैंने इनको एक ट्रे में निकाल लिए। तो ये देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं खाने में उससे भी टेस्टी होंगे। ये देखें बिल्कुल अलग अलग दाने सारे बने हैं। ये देखें ठंडे थोड़े जब हो जाते हैं तो ऐसे सारे हो जाते हैं। तो आप इसी तरीके से बनाएं, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनती है।